चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 2 बाय डी भवानी सिंह। गुड मॉर्निंग। आज हम फिर एक नई क्लास में हमारी बायो 12th में 6 चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारा फर्स्ट वीडियो आप देख चुके हैं और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं। ठीक है, आज हम बात करते हैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल की। सो दोस्तों, इसकी पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन क्या है इसका। दोस्तों, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1850 से लेकर 1859 के पीरियड के दौरान, और उसने पोलन्स को ट्रांसफ़र करके 7 ट्रेड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, लेकिन ये सब ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं ये तो क्लियर हो गया कि कुछ ना कुछ पोलन्स के अंदर है, लेकिन उसका वो बेसिक मटेरियल क्या है उसके बारे में पता नहीं चला। थॉमस हंट मॉर्गर ने भी अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके बाद में उसने कहा कि कुछ जीन्स हैं जो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोमल मैपिंग की थी, लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल का जो मॉलिक्यूलर बेसिस है वो क्या है, वो किस चीज़ का कंपोजिशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें क्या मॉलिक्यूल्स हैं, ये पता लगाना ज़रूरी था। तो शुरुआत हुई 1928 में द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में इन्होंने इसको नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में पूछे जाते हैं, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें इन्होंने किस बैक्टीरिया को यूज़ किया था। तो दोस्तों, हुआ ये कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया स्ट्रेन लिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक ऐसा बैक्टीरिया है। इस निमोनिया के बहुत सारे स्टेन्स हैं दोस्तों, जैसे इसमें दो स्टेन हम यूज़ करेंगे और बात करेंगे बार बार, जिन्हें मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक तो है स्मूथ स्टेन, जिसे हम कहते हैं एस स्टेन। बेसिकली स्मूथ स्टेन इसलिए है कि बैक्टीरिया जो ये सिलेंड्रिकल रॉड शेप बैक्टीरिया है, बैसिलस शेप का, इसके चारों तरफ एक म्यूकस का कोट होता है। ठीक है दोस्तों, इस म्यूकस के कोट की वजह से हम इसको कहते हैं एस स्टेन और स्मूथ स्टेन। और हाँ दोस्तों, इसको हम कहते हैं वायरुलेंट। वायरुलेंट इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ये बैक्टीरिया जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर होता है तो उसे निमोनिया हो जाता है, और इसीलिए इसको कहते हैं वायरुलेंट, क्योंकि इसकी वजह से डिजीज क्रिएट हो जाती है। ओके, सो सेकंड स्टेन जो यूज किया था उसे हम कहते हैं रफ स्टेन, क्योंकि इस बैक्टीरिया के चारों तरफ कोई भी म्यूकस का कोट नहीं था, और इसका नाम इन्होंने दिया था आर स्टेन, रफ स्टेन। ओके, अब ये शुरुआत क्या हुई दोस्तों, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक माइस रैट के अंदर इन्होंने ये लाइव एस स्टेन जो कि वायरुलेंट होता है वो इंजेक्ट कर दिया दोस्तों, इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया। और रिजल्ट क्या रहा दोस्तों वो हम देख लेते हैं। जब वायरुलेंट टाइप का बैक्टीरिया माइस के अंदर गया और मल्टीप्लाई होने लगा, तो फाइनली इस रैट की डेथ हो गई दोस्तों, डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया, रफ स्टेन लिया और लाइव रफ स्टेन और आर स्टेन है इसको इंजेक्ट किया सेकंड माउस के अंदर, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला, क्योंकि आर स्टेन जो माइस आर स्टेन था इससे कोई डिजीज नहीं होती, तो जो रैट था वो अलाइव रहा, जीवित रहा। अब थर्ड टाइम में इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने हीट किल्ड एस स्टेन लिया, हीट किल्ड एस स्टेन, और इस एस स्टेन को इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, क्योंकि हीट किल्ड था, इस वजह से क्या हुआ, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो भी डैमेज हो चुका था हीट के कॉन्टेक्ट में आके। ठीक है, और प्रोटीन कोट था वो भी डैमेज हो चुका था। फाइनली क्या रहा कि जो ये माइस था ये अलाइव रहा दोस्तों, जीवित रहा, ये मरा नहीं। लेकिन जो सबसे लास्ट में था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस स्टेन ये तो लिया हीट किल्ड और इसको मिक्स किया आर स्टेन के साथ जो कि था अलाइव, और दोनों को मिक्स करके इस रैट में इंजेक्ट कर दिया। एंड फाइनली क्या हुआ दोस्तों, हाँ तो दोस्तों,
जब एस स्टेन हीट किल्ड जो वायरुलेंट था इसको मिक्स किया गया आर स्टेन अलाइव के साथ और इसको रैट में इंजेक्ट किया गया, माइस में इंजेक्ट किया गया और फाइनली क्या हुआ, इस माइस की डेथ हो गई। दोस्तों जब इसके ब्लड सैंपल को दोबारा चेक किया गया डाइसेक्शन करने के बाद में ब्लड सैंपल को, तो इस ब्लड सैंपल के अंदर सिर्फ स्मूथ स्टेन पॉजिटिव थे, प्रेजेंट थे, जबकि रफ स्टेन बिल्कुल नहीं थे। यहीं से ही फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने जो एस स्टेन हीट किल्ड करके डाला था वो सारे के सारे जो डेड थे और हीट किल्ड डाले थे वो आर स्टेन अलाइव डाला था, आर स्टेन बिल्कुल डिसअपीयर हो गया और सारे के सारे जो एस स्टेन है वो कैसे बन गए, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, आर स्टेन एस स्टेन में कैसे कन्वर्ट हो गया, इस चीज को फ्रेडरिक ग्रिफिथ प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, और इसके बाद शुरू हुआ कॉलिन मैक्लॉयड, मैकलिन मैकार्थी और एक और साइंटिस्ट जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को प्रूव किया। तो इसमें हुआ क्या था, एस स्टेन और जो हीट किल्ड थे, आर स्टेन जो अलाइव थे जब इंजेक्ट किए तो ये सभी आर स्टेन इसका जेनेटिक मटेरियल कहते हुए सारे के सारे कन्वर्ट हो गए और इसके अंदर सिर्फ एस स्टेन डेवलप हुआ और फाइनली इस रैट की डेथ हो गई। अब हम बात करते हैं उन साइंटिस्ट की जिन्होंने इसको दोबारा एक्सपेरिमेंटली और मॉलिकुलर बेसिस पर इसको प्रूव किया। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसकी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये तीन साइंटिस्ट थे दोस्तों, ऑस्वर्ड ओवेरी, कॉलिन मैक्लियॉड, मैकलिन मैकार्टी। इन तीनों एक्सपेरिमेंट ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया कि उसमें क्या हुआ था, बेसिक कारण क्या था, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था लेकिन साथ में दो एंजाइम्स यूज किए थे। लेकिन लास्ट स्टेप में क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने वही हीट किल्ड एस स्टेन लिए, साथ में आर स्टेन अलाइव लिया, बट इन्होंने इसके अंदर आरएनएज एंजाइम है वो भी ऐड कर दिया और आरएनए एंजाइम से इसको ट्रीट करने के बाद में, और फिर इसके बाद में जब इन्होंने इसको रैट में इंजेक्ट किया दोस्तों और फाइनली जब रैट की डेथ हो गई तो उन्होंने वापस उसके ब्लड को चेक किया और उन्हें पता लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हो रहा है। इसका मतलब इन्हें पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए नहीं है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है। नेक्स्ट केस में उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट प्रूव किया लेकिन एंजाइम इन्होंने डीएनए यूज किया, क्योंकि डीएनए डीएनए को जो डाइजेस्ट करता है एंजाइम वो डीएनएज होता है। सेम उन्होंने हीट किल्ड एस स्टेन लिया और साथ में इसको ट्रीट किया, साथ में मिक्स किया आर स्टेन और फिर डीएनएज एंजाइम मिक्स करने के बाद में इसको वापस रैट में इंजेक्ट किया और फाइनली क्या हुआ, इन्हें क्या पता लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों वो रुक गई है, क्योंकि डीएनएज एंजाइम से ट्रीट करने की वजह से डीएनए डाइजेस्ट हो गया था, इसी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई थी और फाइनली इसका रिजल्ट ये निकला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो दोस्तों ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को केमिकल बेसिस पे जो प्रूव किया था वो इन तीनों साइंटिस्ट ने किया था, ऑस्वर्ड अवेरी, कॉलिन मैक्लियॉयड, मैकलिन मैकार्थी। एग्जाम्स में हमेशा इस प्रिंसिपल को पूछा जाता है, ठीक है, और इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन बनता है कि ये एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया था तो आरएनए एंजाइम के साथ में इनहिबिशन नहीं रुकी थी, इनहिबिशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जबकि डीएनए के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन रुक क्यों गया था। तो इसका कारण यही है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता, इसी वजह से डीएनए एंजाइम ने डीएनए को बिल्कुल डाइजेस्ट कर दिया और फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गया। आशा करता हूं आपको ये प्रिंसिपल इजी वे में समझ में आया। हाँ तो दोस्तों इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है वो है द प्रूफ ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया था दो साइंटिस्ट जिनका नाम था हर्शे एंड चेज। एग्जाम में भी जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड ये क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट हो चुका है, पिछले लास्ट दो सालों में भी दो बार आ चुका है, तो इसलिए ध्यान रखना हमें। हर्शे एंड चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों, इन्होंने बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसको इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपने डीएनए को किसी भी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकता है। तो इन्होंने
बैक्टीरियोफेज के दो सैंपल लिए और दोनों को अलग अलग मीडियम में ग्रो किया, ये जानने के लिए कि जो डीएनए का कंपोजिशन है वो क्या है। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ में, और फाइनली जब कल्चर के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर जिसमें S35 था ये वायरस ग्रो हुआ, तो फाइनली इसका आउटर कोट है, ये प्रोटीन कोट है, ये इसका प्रोटीन कोट है, वो रेडियो एक्टिव हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो सैंपल था उसको इन्होंने ग्रो किया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के पास साथ, जिसमें था P32, और फाइनली जब इसके अंदर कल्चर में इसको ग्रो किया तो इसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो गया। तो ये तो था इनके एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप था दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को इन दोनों स्ट्रेन से अलग अलग इन्फेक्शन क्रिएट किया, यानी जब बैक्टीरियोफेज जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था सल्फर की वजह से, उसने जब ई कोलाई को इन्फेक्ट किया फाइनली, और रेडियो एक्टिव डीएनए था जिसमें इसने जब ई कोलाई को इन्फेक्ट किया तो इन्होंने इनको इन्फेक्ट होने दिया किया, और फाइनली फिर इन्होंने नेक्स्ट स्टेप किया। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने इस पूरे सैंपल को दोनों को सेपरेटली एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूगेट किया, और फाइनली उस सैंपल को इन्होंने स्टडी किया। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट की जो प्रूव किया हर्षे एंड चेज ने। मैंने आपको बताया कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया था दो अलग अलग मीडियम में जो रेडियो एक्टिव थे, एक सल्फर था रेडियो एक्टिव, ठीक है, S35, और दूसरा था P32 रेडियो एक्टिव, और फाइनली इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को दोनों को अलग अलग कल्चर को इन्होंने इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद में इन्होंने उस सैंपल को ब्लेंड किया एक मशीन में जिसमें इसमें सैंपल को रोटेट किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद इन्होंने इस कल्चर को आइडेंटिफाई किया, स्टडी किया, और फाइनली इन्हें पता लगा कि टेस्ट ट्यूब में रोटेट करने के बाद में जितने भी रेडियो एक्टिविटी थी ये ऊपर सुपरनेटेंट जो सॉल्यूशन था, सराउंडिंग मीडियम था, रेडियो एक्टिविटी उसमें प्रेजेंट थी, जबकि जहां पर बैक्टीरिया थे उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इससे इन्हें ये पता लगा कि जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो जो इसका प्रोटीन कोट है या वायरस है वो पूरा का पूरा बैक्टीरिया में एंटर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यहाँ से ये आइडेंटिफाई किया कि जब वायरस ने ई कोलाई को इन्फेक्ट किया, और फाइनली क्योंकि इन्होंने P32 लिया था फॉस्फोरस जो कि डीएनए को रेडियोएक्टिव बना देता है, और जब इस सैंपल को ब्लेंड होने के बाद सेंट्रीफ्यूगेट किया तो ऊपर सुपरनेटेंट के अंदर कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं थी, जबकि बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल और पार्टिकल है वो रेडियो एक्टिव हो चुके थे। तो इससे ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से डीएनए में ट्रांसफर हुआ वो डीएनए था, और डीएनए में ही रेडियो एक्टिविटी पाई गई थी, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने इस तरीके से प्रूव किया। हमें यही ध्यान रखना है कि जो सल्फर है वो कौन सा यूज किया था, S35 रेडियो एक्टिव, उसकी वजह से सिर्फ प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव हो गया था, जबकि वायरस अपना प्रोटीन कोट है वो बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं करता, ट्रांसफर हमेशा जेनेटिक मटेरियल ही होता है। और सेकंड केस में इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया था जिसकी वजह से वायरस का डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया था, और फाइनली यही ट्रांसफर हुआ था, और बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिविटी उसके डीएनए में ही नहीं मिली थी, और फाइनली इससे ये प्रूव होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है, और उसके कंपोजिशन के अंदर कंपोनेंट में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। थैंक यू, आपको आशा करता हूं आपको ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पसंद आया होगा। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कीजिए, डीएनए की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, कि ये केमिकल फॉर्म में और स्ट्रक्चर फॉर्म में डीएनए है ये स्टेबल होना चाहिए, यानी अपना ये रूप चेंजेस है लगातार ना करे, स्टेबल रहे,
एक ऑर्गेनिज्म ने। सेकंड है इट शुड बी एबल टू जनरेट ओन रिप्लिकास, यानी जब सेल डिवाइड होती है तो क्या डीएनए को कोई ऑर्डर देता है? नहीं, डीएनए खुद जब सेल ग्रो करती है, डिवाइड होती है, तो डीएनए अपने आप उसकी कॉपी तैयार करता है और फाइनली सेल डिवाइड हो जाती है, दोनों में एक कॉपी चली जाती है। यानी यह कैपेबल होना चाहिए अपनी खुद की एक ओन बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी को जनरेट करने के लिए, ठीक है, जिससे जो है सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहे और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस और ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट शुड बी अंडरगो स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस। देखो डीएनए के अंदर धीरे धीरे स्लो स्लो स्टेप बाय स्टेप और ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। इन ग्रेजुअल चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? इन्वायरमेंट की वजह से, जिस इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, और फाइनली यही लीड करते हैं आगे चल करके इवोल्यूशन को। स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस हमेशा इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं दोस्तों, इसलिए डीएनए में स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेट्स हैं वो होमोजाइगस स्टेट में ज्यादा अपने आप को डोमिनेंट शो करते हैं, कुछ हिटरोजाइगस में भी डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेंडेलियन फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डीएनए है वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करने में कैपेबल होना चाहिए। तो यही फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होनी चाहिए दोस्तों, इन्हें आप नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चार पॉइंट है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं डीएनए और आरएनए के बीच के डिफरेंस की, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर से, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि डीएनए और आरएनए के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है। चलो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। जो डीएनए है इसके अंदर जो शुगर यूज होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये भी एक पेंटोज शुगर है। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था तो उस समय मैंने इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया था इस तरीके से, ये पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है। जबकि आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो होती है सिर्फ राइबोज शुगर। कौन सी? राइबोज शुगर। ये है इसका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है डीएनए के अंदर दोस्तों 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए में कौन से होते हैं? इसमें एडेनाइन होता है, इसमें गुआनिन नाइट्रोजनस बेस होता है, इसमें थायमिन नाइट्रोजनस बेस होता है और साइटोसिन। और हमने डीएनए के मॉडल में पढ़ा था कि ए डबल बॉन्ड के साथ में टी थायमिन के साथ में जुड़ा होता है, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और जो गुआनिन है नाइट्रोजनस बेस है ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में साइटोसिन के साथ में जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आरएनए में एक डिफरेंस है, इसमें एडेनाइन प्रेजेंट है, ग्वानिन प्रेजेंट है, लेकिन थायमिन की जगह यहाँ पर यूरासिल जुड़ा हुआ होता है। उसमें आरएनए में जहां पर भी थायमिन लगना चाहिए वहां थायमिन नहीं होता, वहां पर यूरासिल होता है और साइटोसिन प्रेजेंट होता है। इस तरीके से जो इसके पेयर बनते हैं वो बनते हैं ए टी की जगह इसमें बनेंगे ए यू, यानी यूरासिल के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में वही ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी एडेनिन के साथ में एडेनाइन के साथ में कौन जुड़ा होता है दोस्तों? यूरासिल जुड़ा हुआ होता है, किसमें? आरएनए के अंदर। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डीएनए है क्योंकि ये एक जेनेटिक मटेरियल है हमारे सभी हायर ऑर्गेनिजम्स का, और इसके अंदर क्या है ये डबल स्ट्रैंड होता है दोस्तों। इसमें हमेशा मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूं इस तरीके से, और ये इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं। हम डीएनए के अंदर बात भी कर चुके हैं कि एक चेन की जो स्ट्रैंड है पोलैरिटी 5-3 होती है और दूसरे की 3-5 होती है दोस्तों, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड होता है और ये बीच के अंदर नाइट्रोजन बेसिस में ये जुड़ा हुआ होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। जबकि जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो डीएनए है ये केमिकली लेस एक्टिव है, ठीक है, केमिकली लेस एक्टिव है, और केमिकली लेस एक्टिव होने की वजह से ही ये मोर स्टेबल है। इसके अंदर चेंजेस हैं बहुत मुश्किल से होते हैं,
हमने बात करी थी स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। तो डीएनए क्या है, केमिकली लेस एक्टिव है, इस वजह से इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो बहुत स्लो होते हैं और जो म्यूटेशन होता है बहुत स्लो होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आरएनए की, क्योंकि ये केमिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, आरएनए इज मोर एक्टिव, इस वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और ये स्टेबल नहीं होता, ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें बात ध्यान रहेगी। दूसरी खास बात कि जो आरएनए है ये जेनेटिक मटेरियल किस में पाया जाएगा, हमने जो लास्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था हर्शियन चेज, हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर वायरस का जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या होता है, वो आरएनए होता है। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जबकि जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उन सभी के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं और इसके डिफरेंसेस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं दोस्तों। ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। प्रेस द बेल बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल द इजी वे बाय डी भवानी सिंह। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।